डियर स्टूडेंट्स, वी वर ऑन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हमें लॉन्ग फॉर्म जो है दिस वन, ये हमने स्टडी की थी लॉन्ग फॉर्म। अब हम इसके जो फोर ब्लॉक्स हैं, दिस इज एस ब्लॉक, इट इज़ डी ब्लॉक, इट इज़ पी ब्लॉक एंड दिस इज़ एफ ब्लॉक, इनके हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस चैप्टर में हम पूरे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और एलिमेंट्स के स्टडी ही हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और नए नए कंपाउंड बनाएंगे और वही किस में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी पूरी केमिस्ट्री इस पीरियोडिक टेबल पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर इस चैप्टर जो ये हमारा चैप्टर थर्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा सीरियसली स्टडी करें और इस चैप्टर के बारे में आपको 80% चीज़ें आपको आनी चाहिए इस चैप्टर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ना इस लेक्चर में, जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं ले रही हूँ, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल थी इसको हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे पहले एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स थे, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये वाले थे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, जबकि एस ब्लॉक जो है वो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट और सेकेंड जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है और इसमें पीरियड्स तो सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 पीरियड्स हैं इसमें। तो यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक का मतलब क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन एस सबशेल, ठीक है। किसमें, आउटर मोस्ट जो शेल होगा, इस आउटर मोस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल नंबर टू, इसमें कौन कौन आते हैं देख लीजिए आप, हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन और इनको एल्कलाई मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाई मेटल, फर्स्ट ग्रुप्स। तो इसमें कौन कौन आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर, कौन कौन है, हाइड्रोजन है और अल्कलाई मेटल है। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट को हम अल्कलाई मेटल्स एंड अल्कलाई अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड हीलियम भी आता है, इसमें एक्सेप्शन जो है वो हीलियम भी है, ठीक है। हीलियम जो है इसको हम एस ब्लॉक में भी कंसीडर कर सकते हैं और पी ब्लॉक में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्यों करते हैं ये हम बाद में बात करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास क्या क्या आया, हाइड्रोजन एल्कलाई मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो है वो एल्कलाई मेटल कहलाती है और ये जो है वो एल्कलाई अर्थ मेटल कहलाती है। एल्कलाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या बनाती है, एल्कलाइन सोल्यूशन बनाती है, मतलब बेस, क्या बनाती है ये, बेस। एल्कलाई मतलब होता है बेस, ठीक है। जैसे कि NaOH बेस है, ये MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, LiOH, ये सब क्या हैं, बेस हैं,
ठीक है, तो ये बेस का फॉर्मेशन करती हैं इनको, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्केलाई मेटल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, मतलब अगर हम बात करें तो NS लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, S में फिल होता है, तो लास्ट में इनके पास क्या आएगा, तो इनका जो फॉर इनका जो NS2, ठीक है, NS2, ये N मतलब क्या है, N मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, या फिर N का मतलब नंबर ऑफ पीरियड भी हो सकता है, ठीक है, पीरियड भी हो सकता है, ठीक है, N का मतलब। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मतलब N की जो वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2 to 7, कितनी हो सकती है, मतलब 7 क्या है, पीरियड्स हैं, तो 2 से लेकर 7 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर इसके क्या हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, कैसी होती हैं, ये सॉफ्ट मेटल होती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब यहाँ पर बात होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जो जो कोई यहाँ पर अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अब मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कोई भी एटम स्टेबिलिटी चाहता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब मान लीजिए कि किसी के पास दो एटम है, एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, और एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए क्या करेगा, दो एटम है तो ये एटम क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन तो कहीं बाहर से ले लेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल से, ये एक एटम है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, ये एक एटम है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इट इज़ नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये देखो यहाँ पर एस ब्लॉक जो एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा है तो इन इलेक्ट्रॉन, ये जो एस ब्लॉक जो एलिमेंट हैं इनके पास एक्स्ट्रा है तो इनको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा, जोर नहीं आएगा इनको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बल्कि ये खुद चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, क्यों, क्योंकि इनके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये आसानी से इनको रिमूव कर देते हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, मतलब ये स्टेबल हो जाते हैं, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है। अच्छा, कम को मैं इस साइन से डिनोट करती हूँ और ज़्यादा को मैं इस साइन से डिनोट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, वन इलेक्ट्रॉन डोनेट
ठीक है, तो क्या चार्ज आता है, प्लस वन चार्ज, ठीक है। और टू इलेक्ट्रॉन इनके पास एस ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टू। एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टू इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ग्रुप है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसलिए इनकी जो वैलेंसी होगी वो प्लस वन होगी। ये जो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसलिए इनके दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होगी, प्लस टू होगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट। ये बिल्कुल रिएक्टिव मेटल होती है, वेरी रिएक्टिव, आसान, देखो रिएक्ट करेंगी जब भी या तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देंगी तो लेने वाला भी तो होना चाहिए, तो आसानी से ये रिएक्ट कर लेती हैं। मतलब ये क्या होती हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल होती हैं, रिएक्टिव होती हैं ये, ठीक है। ऊपर से इनकी यहाँ पर इनकी ये जो गुड कंडक्टर इम्पॉर्टेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इनके क्या बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में जो यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हुआ, एस ब्लॉक एलिमेंट। आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके उसके बारे में पता होना चाहिए।